सरस्वती का एक ऐसा मंदिर है जहां उनका अभिषेक जल या दूध से नहीं बल्कि लिखने वाली स्याही से किया जाता है। माँ सरस्वती की ये मूर्ति हजारों साल पुरानी है और बसंत पंचमी के मौके पर छात्र उस प्रतिमा का दर्शन कर विद्या की देवी का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। जी बताएं, आज किस तरह की पूजा की जाती है, क्या माना जाता है? आज बसंत पंचमी है और आज के दिन सरस्वती माता का जन्मदिन माना जाता है, तो उसी वजह से सभी विद्यार्थी इंक, शाही और फूल और माता को ये सब चढ़ाने यहाँ पे आते हैं। मगरमुआ स्थित सिंहपुरी में एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे सारे विद्यार्थी आके अपनी अच्छी पढ़ाई के लिए कामना करते हैं और माता से आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि उन्हें उन्हें अपनी पढ़ाई में यश की प्राप्ति हो। इसी वजह से मैं भी आज आई हूँ। मैं नाम सलोनी जैन है और मैं सीए फाइनल में हूँ और मैं माता से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरा जल्दी से सीए क्लियर हो जाए। अनोखा माँ सरस्वती का मंदिर है जिसमें विराजित विद्या की देवी को नील सरस्वती के नाम से जाना जाता है। दरअसल माता का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर माता का नीली स्याही से अभिषेक किया जाता है। विद्यार्थी अच्छे अंकों से पास होने की कामना को लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। राजाधिराज बाबा महाकालेश्वर की नगरी में कई ऐसे ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से एक माता सरस्वती वागदेवी मंदिर जो कि उज्जैन सिंहपुरी में स्थित है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि पूरे भारतवर्ष में यह एकमात्र मंदिर है जहाँ मातेश्वरी को शाही चढ़ा करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के निमित्त शाही चढ़ाई जाती है। यहाँ पर छात्रगण आकर के मातेश्वरी को शाही चढ़ाते हैं जिससे कि वह उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण पास हो सके, यही मान्यता है। आपका नाम? पंडित हिमांशु जोशी। मान्यता है कि ऐसा करने से ज्ञान की देवी माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं और विद्यार्थियों को बुद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं। माँ सरस्वती को नील वर्ण भी कहा जाता है, इसीलिए इस दिन माता को नील कमल और स्याही चढ़ाकर विद्या का वरदान मांगा जाता है। पंजाब केसरी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।